नमस्कार दोस्तों, एकमात्र भरोसेमंद एमएस न्यूज चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है बीएसएनएल की तरफ से, तो सही और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और अपने फेसबुक और व्हाट्सएप मित्रों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और पास ही में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली हर लेटेस्ट न्यूज आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, न्यूज की ओर बढ़ते हैं। पेंशन रिव्यू करने की मांग को लेकर सेवानिवृत्त बीएसएनएल कर्मचारियों ने अनशन कर धरना दिया। जी हां दोस्तों, बीएसएनएल की सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने पेंशन रिव्यू करने की मांग को लेकर बुधवार को जालाना स्थित सीसीए ऑफिस पर भूखे रहकर सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक धरना दिया। परिमंडल सचिव एमके नागपाल ने बताया कि 1 जनवरी 2017 से पेंशन रिव्यू ड्यूल चल रहा है। धरना दे रहे कर्मचारियों ने 15% फिटमेंट देते हुए करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि आगामी 12 मार्च को सभी बीएसएनएल के सेवानिवृत्त कर्मचारी दिल्ली में एकत्रित होकर पार्लियामेंट की तरफ कूच करेंगे। जी हां दोस्तों, धरने में पीके जैन, केपी शर्मा, कबूल सिंह यादव, हरीश बाबू सहित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और पास ही में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली हर लेटेस्ट न्यूज़ आपको मिलती रहे।